पीलीभीत की घटना में वन विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर। वन विभाग के कर्मचारियों की सहमति के बाद ग्रामीणों के साथ अंदर गए अन्य युवकों ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने लकड़ी का लालच देकर काम के बहाने बुलाया था। सभी ग्रामीण जंगल के अंदर काम कर रहे थे, इसी दौरान बाघ एक ग्रामीण पर हमला कर जंगल के अंदर खींच ले गया। आज झाड़ी पे 40 लोगों में आप लोग इधर कितने जने थे? 4 लोग। 4 लोगों में आपका एक आदमी लापता होगा? लापता है। तो क्या आपको वन विभाग में बुलाया था जंगल में, या आप खुद अपनी मर्जी से आए? बुलाया था गोविंद ने। अच्छा, गोविंद ने बुलाया? फोन करके। तो फोन करके बुलाया या घर गया था? फोन गया था। अच्छा अच्छा, तो उसने क्या कहा तुम्हें? वो झाड़ी उड़ी देते थे या ईंधन देते थे? झाड़ी नहीं, ईंधन देते थे। अच्छा, तुम लोगों को बुला के ईंधन देते थे और अपना काम करवाते थे जंगल? चलो, वो तो अभी मैं देखा है जंगल में लकड़ी उकड़ी तुमसे साफ करवाते थे और घास उस भी कटवाई मैं देखता हूँ अभी। और अब मान लो कि जहाँ तुम्हारे पीछे कोई रखवाली नहीं करता था वन विभाग वाला कि बंदूक लेके कोई बाइचर काम करवा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बंदूक लेके तुम्हारी निगरानी करे? ऐसा कोई निगरानी वाला नहीं? मतलब तुम लोगों को गुमराह करके ले आते हैं लकड़ी के बहाने, जहाँ आके अगर शेर कोई मर जाए तो कह देते हैं कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ये तो बहुत गलत बात है यार। तो आदमी अभी आपका मिला नहीं? अभी नहीं। तो वो आपको ये तो स्पष्ट पता नहीं कि शेर ले गया या क्या हो गया? अभी कुछ नहीं पता, अभी मिला नहीं है। अभी फिलहाल वो लापता है। लापता। चलो चलो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।